स्कूल का भवन नहीं है, क्या क्या समस्या को कितना पड़ता है पढ़ाई में? सांप सब घुस जाता है, नहीं पढ़ सकते हैं, पानी सब घुस जाता है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है ना जी। यह मुद्दा प्राथमिक विद्यालय बान टोला 83 की है, जो कि बाड़ी प्रखंड के कटिहार जिला का अंतर्गत पड़ता है। इस स्कूल का अपना पक्का की भवन नहीं रहने के कारण आज इस विद्यालय के बच्चे के ऊपर अनहोनी घटना घटने का संभावना बने रहते हैं, और जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं और भयभीत रहते हैं। बारिश में अब बारिश के मौसम में तो इतना समस्या का मतलब सामना करना पड़ता है बच्चे को बैठाने उठाने में, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये स्कूल है कैसे, हम क्या करें। इसके बाद देखिए इधर आप देख सकते हैं कि सामने केला का खेत है, जंगल है, अब कहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे के सामने, बच्चे को कितना क्या कष्ट पहुँच जाएगा, अब वो तो आप समझ ही सकते हैं। कितना बार जो है ऊपर से जो है मतलब एक सांप सामने बच्चे के सामने गिर गया, एक दो बार तो सामने आके भी क्लास आके बाहर बच्चे सबके द्वारा निकल। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि मेरा जो बिल्डिंग यानी स्कूल भवन वो उसका जल्द से जल्द निर्माण हो जाए, ताकि मेरा बच्चा और सेफ रह सके। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस विद्यालय के स्कूल का भवन जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। यदि निर्माण नहीं किया जाता है तो हम लोग एक संगठित होकर के ब्लॉक पे धरना पे बैठेंगे कि जब तक कि इस विद्यालय की स्कूल का भवन निर्माण नहीं किया जाता है। जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नंबर है 91-62-87-02, इन पे कॉल करके दबाव बनावे, ताकि जल्द से जल्द इस विद्यालय की स्कूल का भवन निर्माण किया जाए, ताकि बच्चे के ऊपर होने वाली अनहोनी घटना से बच्चे बच सके। मेहरीना, घर सिक्कट, जिला कटिहार, इंडिया अनहट के लिए।